Hey guys, welcome back to our new vlog guys. आज का vlog बहुत ही मजेदार होने वाला है और आज का सीन कुछ भी भाई साहब इंची टेप के लिए जिद कर रहे हैं जो फरमान मामा मतलब जिससे नापते थे लकड़ी वकड़ी वाली। तो गाइस आप कमेंट में बताना वो लग नहीं जाएगी लोहे की होती है। बन रहे हैं मेरे लिए आलू के पराठे, ये देखिए टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। तो मम्मी बता दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग बना रहे हैं आलू के पराठे मस्त वाले। भूख लगी है बहुत तेज की क्योंकि आज हो गया है टाइम, हम लोग लेट उठे थे हम लोग। और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी हैव टू गो इन। प्लीज अभी नहीं बताओ। दो जगह हमें जाना, थ्री प्लेसेस जाना, तो हम बताएंगे आपको कहाँ जाना है। गाइस देखिए अभी पराठा जो है पक रहा है ना पराठा, में सिक रहा है। देखिए कितना टेस्टी डिलीशियस, ऐसे ही मेरे को लग रहा है ऐसे ही कच्चा खाता हूँ। गाइस आज बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग रही है, तो मिलता है कुछ देर में। सो गाइस आज सुबह से सैटरडे था तो टाइम नहीं मिला, चुपचाप बैठो जाके टाइम नहीं मिला, कहीं जाना है एक जगह, अभी सरप्राइज है कहाँ जाना है। तो अभी हम फिर रू अफजा, बढ़िया गर्मी लग रही थी। और गाइस देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, ये देख लो बेला चाओ। हाँ दिखा दिया जाओ। तो मन कर रहा था कि आपको ठंडा सा मिल जाए पीने के लिए, खाना खा नहीं रहे हम लोग क्योंकि हम लोगों ने लेट नाश्ता किया था तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा रू अफजा पी के अंगूर खाने थोड़ा आराम करेंगे। बाल धोए थे सुबह, कंघी करने का टाइम नहीं मिला। और एक जगह जाना है हमें कीर्तन में, एक जगह एक लड़की की शादी है तो आज कीर्तन है और शाम को मेहंदी की पार्टी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों को वहाँ जाना है, तो कीर्तन का व्लॉग भी आपको दिखाएंगे और शाम को मेहंदी का जो पार्टी है। एक्चुअली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग, तो वो जो शाम की पार्टी है उसे न्यूतेर बोलते हैं, तो न्यूतेर में हम लोगों को जाना है, कल शादी भी है। सो मे भी शादी में भी हम लोग जाएंगे, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, सारा हो गया, कपड़े वगैरह निकाल दिए, अलमीरा ठीक कर दी और अब बस थोड़ा सा पीते हैं। सो गाइस मेरे तो कपड़े भाई एकदम मस्त आ गए, फिट हो गए एकदम, और मेरे तो बस हो गया इंतजाम कपड़ों का। कहीं भी जाना होता नहीं, इतना एक्साइटेड होता है जाने के लिए, शादी पार्टी से बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा शादी पार्टी में स्टार्टर्स खाता है, खाना नहीं खाता, स्टार्टर्स खा खा के पेट भर लेता है और फिर ऐसे बैठ जाता है कि इससे हिला भी नहीं जाता। बेटा इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के दे, थोड़ा सा इसमें नीचे जमा हुआ है रूह अफ़ज़ा, और ये उठा के रख इसके अंदर। तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें। यू कैन टेक मोर एंड मोर लिक्विडेंट्स, रू अफ़ज़ा बना लें, लस्सी बना लें। देखो बाल मेरे कैसे उलझे पड़े हैं, अब जाके इन्हें सुलझाऊंगी भी बाहर। तो लस्सी बना लें, टैंग बना लें, रू अफ़ज़ा बना लें, नींबू पानी बना लें। और नींबू गाइस इतने महंगे हुए पड़े हैं ना, तो बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग लस्सी वगैरह ही पी लें। तो गाइस अब थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद मैं सोच रही हूँ मंदिर भी आज साफ कर दूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और कल संडे है और कल मैं करूँगी फ्रिज और किचन। सैटरडे संडे एक्चुअली छुट्टी मैं बच्चों की सैटरडे में इसीलिए ही रखती हूँ कि वीकेंड्स में 2 डेज एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए घर का काम करने के लिए, बिकॉज हफ्ते भर में घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि उसे सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल आज मैंने अलमीरा ठीक करी है सारी, आज मंदिर साफ कर दूंगी क्योंकि नवरात्रों से मंदिर साफ हुआ नहीं है, और उसके बाद फिर कल करूँगी किचन। किचन तो सारा सेट ही है, थोड़े से डब्बे इधर उधर हुए हुए हैं और उनको सही करना है, थोड़ा सा फ्रिज साफ करूँगी मैं बस। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, ओके। एंड दोबारा से यही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस अब बहुत भयंकर नींद आ रही है और बाबू मुझसे सो नहीं रहा था, फोन छूट गया था, तो बाबू मुझसे सो नहीं रहा था, तो उसके पापा उसे अंदर बेडरूम में सुला रहे हैं और मैं बढ़िया ड्राइंग रूम में लेटू फ्री होके। ये पंखा हमारा लग गया है ना, तो इससे ठंडक बहुत है ड्राइंग रूम में, और अब यार लग जाएगा तो और ठंडक हो जाएगी।
तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, कीर्तन में मिलते हैं, ठीक है? और रेडी होंगी जब मिलूंगी मैं आपसे। गाइस अब हम जा रहे हैं कीर्तन के लिए और मैं तैयार हो चुका हूँ, मम्मा तैयार हो रही हैं। तो गाइस देखिए मम्मा के बाल कैसे हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। आप कमेंट में बताना जब आप सो के उठते हो तो आपके भी क्या बाल ऐसे ही होते हैं हो जाते हैं, ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं आपको कीर्तन में। गाइस हम आ चुके हैं, हम जहाँ पे हमें आना था, ये है कीर्तन, देख सकते हैं इधर, और कीर्तन होगा तो आपको दिखाएंगे। निकले बाय। मम्मी एकदम जी आंटी, आंटी ने मम्मी को एकदम आगे बुला लिया है, वो कहते हैं वो बैठी मम्मी और Thank you.
Thank you.
तो गाइस अभी हो रहा है हमारे दादाजी का डांस, देखिए। तो गाइस अब हम मंदिर आ गए हैं और हमने मैया रानी के दर्शन करने आ गए हैं और अभी हम चोला चढ़ाएंगे हनुमान जी को, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। और चलते हैं, आज कितने सुंदर लग रहे हैं और कमाई चलते हैं अंदर को दिखाते हैं। ये देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं माता। तो गाइस जब चोला चढ़ाएंगे तब मिलते हैं आपसे। सो गाइस अक्षय तब चोला चढ़ाने जा रहा है बाबा जी को। माला इधर चढ़ा दे बेटा, यहाँ पे इन वाले हनुमान जी को। जय श्री राम, रहने रहने नीचे का मत उठा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ अंदर। मास्क आया तो लो तेने अब चढ़ा दे। जय श्री राम बोलते रहो। श्री राम, हे बाबा सदैव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्तिक वर्क कैसे चिपकाएगा बेटा? चिपका लो ना अपने आप। अब ये नारियल रखे प्रभु, वहाँ चरणों में रखो, सदैव रक्षा करना बाबा। बच्चों को कोई नाचना नहीं देना। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब ये चोला लो, चोला लो, उधर बाबा जी को चढ़ा दो, जैसे वो वाला चढ़ा हुआ है ना वैसे ही चढ़ा दो। जय श्री राम बोलते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छे से बेटा, जय श्री राम प्रभु से प्रार्थना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहे बेटा। पैर छू लो। जय श्री राम बाबा सदैव रक्षा। अब ये जनेऊ चढ़ाओ अंदर उनको, पहले खोल लो जनेऊ को। आता है खोलना? रुक जा, रुक आंटी पूजा कर रही है, उन्हें कर लेंगे पहले। कोई पूजा करता है तो वेट कर लो, कोई बात नहीं। चढ़ा दो अब, चढ़ा दो, चढ़ा दो जल्दी, चढ़ा दे। अब ये वर्क खोल और वर्क उनको अच्छे से लगा। लगा देगा? लगा पाएगा? हैं? आता है? कैसे चिपकाते हैं? बस ऐसे है बेटा, मैं चिपका नहीं सकती ना, मुझे पता नहीं ना। हनुमान जी को नहीं चिपकाना ना मेरे, मतलब लेडीज नहीं करेंगे पूजा ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूछ ले किसी से कार्तिक कैसे चिपकेगा ये? हैं? आता है? बड़े वाले हनुमान जी को चढ़ा दो। कैसे चिपकाएगा बेटा उनको? उन्हें ही चिपका छोटे वालों को। माला हटा पहले सारी, फिर चिपका, चिपका। यहाँ पे चेस्ट के साइड में चिपका दियो। हाँ पहले साइड कर दे, फिर चढ़ा देना दोबारा, साइड कर दे। चिपका दो, सर पे थोड़ी चिपकाते हैं पागल। चेस्ट में चिपकाना है, अगर चेस्ट में, चल कोई बात नहीं। और भी तो है, माफ कर, और भी है। अब वो चेस्ट में चिपकाइए उधर। हाँ ऐसे चिपका दो, वहाँ नीचे चिपका दो। खोल तो सही उसे पूरा, ओपन कर। पहली बार चला रहा हूँ मैं। मैंने कर दिया हनुमान जी के देख सकते हैं। और देखिए मैंने हनुमान जी को तैयार कर दिया और चोला भी चढ़ा दिए। सॉरी गाइस सिर को छींक आ गई। और कोई नहीं, अब चलते हैं घर पे और घर का दिखाते हैं। और दिखाओ मेरे कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए, ठीक है? कोई नहीं गाइस, हम लोग आ चुके हैं शादी में सब लोग, और बस पहुँच चुके हैं शादी के अंदर। और भाई साहब स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या मांग रहा है। क्या चाहिए? अभी हम आए थे शादी में और मेरा क्लासमेट भी और फ्रेंड भी मिल गया भाई। तो गाइस ये रहा मेरा फ्रेंड भाई, ये रहा मेरा फ्रेंड। और तो गाइस ये शर्मा रहा है और ये अपना मुंह छुपा रहा है। तो भाई तुम मुंह क्यों छुपा रहा है? तो गाइस आप इसको, आप मेरे को अंडी नमस्ते। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं गोलगप्पा और I'm
बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी पापा जी के भी सर में दर्द हो रहा है और अभी मैं अभी और मैं और हम अभी लेटे थे और मैं एडिटिंग कर रहा था। हम ड्राइंग रूम में लेटे हुए हैं गाइस, क्योंकि ड्राइंग रूम में ना ठंडा बहुत है हमारे कंपैरिजन देन बेडरूम, तो ड्राइंग रूम में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है, कूलर की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा आराम से दोनों माँ बेटे लेटे हैं और वो बाप बेटे की जोड़ी अलग बनी रहती है, माँ बेटे की अलग बनी रहती है, वो दोनों अलग सोते हैं, हम दोनों अलग सोते हैं। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। वो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।